हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट टाइम व्लॉगर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। हर किसी का 31st का कुछ ना कुछ प्लान होगा न्यू ईयर्स ब्रिंग इन करने का। सो ये हमारा 2023 का लास्ट वीडियो होगा। सो मैंने सोचा कि जो हमारी छोटी सी फैमिली है उन सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया जाए एंड हर किसी को थैंक यू हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि हाँ हम वीडियोस बनाते रहे। कुछ कुछ लोगों ने उन पर अच्छे कमेंट्स किए, कुछ कुछ लोगों ने उन्हें पसंद किया, बट इन शॉर्ट जितने भी लोग हमसे जुड़े या हमारी जो भी कोशिश थी उसके लिए मैं हर किसी को थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड जो 2024 आने वाला है वो हर किसी के लिए अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड आप सब जो भी चाहते हैं वो आप सभी को मिले। सो वो रहेगा 2024 का विश मेरा आप सभी के लिए। एंड आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं है या आज ऐसा व्लॉग काइंड ऑफ कुछ नहीं है, बट मुझे बस आप लोग के साथ बात करनी थी एंड कुछ चीज़ एक शेयर करनी थी जो रिसेंटली हुई है। सो ये एक आप फ्रॉड कह सकते हैं या एक स्कैम अलर्ट कह सकते हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को बताऊँ, ताकि अगर थोड़े लोग भी इससे देख के थोड़ा सा अवेयर हो सके तो वो चीज़ अच्छी होगी। सो हुआ ये था कि मैंने अमेज़ॉन एंड मीशो से थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की थी एंड होता ये था कि मैं ऑफिस में होती थी एंड पार्सल्स अपने आप घर पर डिलीवर हो जाते थे। सो मुझे इवनिंग में पता चलता था कि भाई हाँ ये पार्सल आ गया है, या तो जो हमें मैसेज आता है कि योर पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड, वैसे करके होता था। सो मुझे पता थी हाँ मैंने 5 से 6 चीज़ें मंगाई है तो ये चीज़ें आने वाली है। सो कल ये हुआ कि सारी चीज़ें डिलीवर हो जाने के बाद मुझे फ़ोन आता है कि मैं आपका एक कूरियर लेके निकल रहा हूँ। सो जब वो फ़ोन आया तो मेरे को था कि अब तक तो 5-6 जो पार्सल्स आए उसमें कोई फ़ोन नहीं आया मुझे, ना उसमें उन्होंने कोई पिन मांगा। कल जो मेरे को फ़ोन आया था उनके पास मेरे जेन्युइन डिटेल्स थे, मेरा खुद का नंबर था, मेरा एड्रेस था, करेक्ट एड्रेस था एंड सारी डिटेल्स थे उनके पास में। बट जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा पार्सल लेके आ रहे हैं या कहाँ से लेके आ रहे हैं, तब उनके पास कोई आंसर नहीं था एंड उन्होंने सीधा फ़ोन रख दिया। मैं भी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हो गई तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। उसके बाद वो जब भी घर पर आए तो वो OTP मांगने लगे, तो मैंने तभी मना कर दिया कि OTP तो मैं नहीं देने वाली हूँ आपको। फिर बोलते हैं वो कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा पार्सल रिटर्न ले जाइए, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। एज सच भी मुझे पता था कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, जो भी मेरे ऑर्डर्स थे वो सारे आ गए हैं, बट अगर ये कुछ बाकी है तो ये मेरा ऑर्डर नहीं है, उस पर बराबर मेरा एड्रेस वगैरह सब था। बट जो सेंडर का डिटेल्स था ना वो ब्लर्ड था, मतलब वो एरिया पूरा ब्लर्ड था जब मैंने चेक किया था पार्सल। तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक काम करिए, मैंने मेरे घर पे बोल दिया कि उन्हें बोलिए कि आप पार्सल वापस ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पार्सल वापस ले जाने के लिए भी आपको एक OTP आएगा कैंसिल करने के लिए, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट वो डिलीवर करने के लिए भी या तो वो कैंसिल करने के लिए भी OTP मांग रहे थे जो मैं देना नहीं चाह रही थी, बिकॉज़ आजकल क्या स्कैम होता है पता नहीं चलता। ये चीज़ हुई, एक दिन गया, उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, एक पार्सल आ रहा है, दो पार्सल आ रहा है, तीन पार्सल आ रहा है एंड वो चीज़ होती रही होती रही। मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, OTP देना है नहीं देना है, OTP दे दूँ तो कहीं मैं फंस ना जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने जाके कंप्लेन कर दी कि भाई ये मेरा पार्सल नहीं है एंड बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग नंबर से कि मैं आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ, मैं इतनी देर में पहुँच रहा हूँ, मुझे OTP चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए मैंने वो चीज़ की कंप्लेन कर दी। तो अगर आप मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो अपना पार्सल आप लेते हैं तब आप सेंडर के डिटेल्स चेक करिए कि वो पार्सल जेन्युइनली आपका है कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे डिटेल्स मेरे करेक्ट मेंशन थे, तो सेंडर डिटेल्स आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड अगर कोई OTP मांगता है तो OTP प्लीज़ ऐसे फ़ोन पे मत दीजिए। सेकेंड थिंग, आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है सुबह,
एंड ये चीज़ हुई मेरे साथ कुछ 10:30 के करीब, मेरे को एक फ़ोन आता है कि आपका वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आपको वाईफाई का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वाईफाई नहीं चलेगा। सो फर्स्ट थिंग था कि भाई वो वाईफाई मेरे नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो मेरे अंकल के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो मुझे फ़ोन कैसे आ सकता है। सो मैंने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की, बट वो 1-2 मिनट का कन्वर्जेशन था, बिकॉज सेम उसके पास भी सही डिटेल्स थे मेरे। उसके बाद पता नहीं मेरा फ़ोन को क्या हुआ, वो हैक हो गया या क्या हुआ, एंड वो जो कॉलर था वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लोगों को कॉन्टैक्ट करने लगा एंड डिमांड करने लगा मनी के लिए। तो सेम मैंने जाके साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी, एंड अब पता नहीं कि उसका भी क्या है। इसके लिए अभी ऐसा हो गया है ना कि फ़ोन उठाने में डर लगने लगा है कि पता नहीं कौन क्या फ़ोन करता है एंड किसका क्या चीज़ हो जाती है। सो ये था बस एक छोटा सा अपडेट या एक छोटा सा स्कैम अलर्ट जो मैं आप लोग को देना चाह रही थी। एंड अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ सस्पिशियस आपको लगता है तो आप भी कंप्लेन करके उससे बच सकते हैं। एंड ये लोग क्यों ऐसा करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता, बट ठीक है, ऑल सेट एंड डन। वंस अगेन गाइस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, एंड मिलेंगे 2024 में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सेफ रहिए, अपने सेलिब्रेशंस में भी सेफ रहिए, एंड हर किसी का ध्यान रखिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।